नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो, आज हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, हुआ ये म्युनिसिपैलिटी के डिपार्टमेंट से, यहाँ पर वेरियस क्लर्क एंड हेल्पर के पोस्ट है। तो चलिए जान लें इसके वैकेंसी डिटेल्स, साथ ही आपको बता दें अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले दोस्तों आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स की। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है बारुईपुर म्युनिसिपैलिटी, एम्प्लॉयमेंट टाइप है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जॉब्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 है, जॉब लोकेशन है वेस्ट बंगाल और यहाँ पर पोस्ट का नाम है हेल्पर से 7 पोस्ट है, मजदूर से 5 पोस्ट है, दरवेन से 1 पोस्ट है, अटेंडेंट से 2 पोस्ट है, वर्क सरकार से 1 पोस्ट है, रिकॉर्डर से 1 पोस्ट है, असिस्टेंट कैशियर से 1 पोस्ट है, पाइपलाइन इंस्पेक्टर से 1 पोस्ट है, स्टोर कीपर से 1 पोस्ट है, क्लर्क से 1 पोस्ट है और असिस्टेंट इंचार्ज से भी 1 पोस्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके क्वालिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 8वीं पास कर लिया है, मिनिमम यहाँ पर 8वीं पास, 10वीं पास या फिर उसके ऊपर वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है 18 से 40 साल और पे स्केल आपको काफी अच्छा मिलता है, यहाँ पर पे स्केल आपको मिलता है 5,400 to 25,200 rupees पर मंथ, जो की काफी अच्छी है 10th पास वालों के लिए। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड है मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू पे, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होना है, सीधी भर्ती है और एप्लीकेशन फीस यहाँ पर है जनरल ओबीसी के लिए 100 rupees, वहीं SC ST एक्स सर्विसमैन PWD के लिए एप्लीकेशन फीस है सिर्फ 50 rupees। तो दोस्तों ये वैकेंसी काफी अच्छी है, आपको जरूर से अप्लाई करना चाहिए। चलिए हम जान लें कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली हमारे वेबसाइट पर चला आना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सारे डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लें हमारे वेबसाइट पर आने के बाद। उसके बाद आप सिंपली जब नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा एक लिंक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, आपको इसे क्लिक करना है और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोलना है, जैसा कि मैं खोल रहा हूं आप देख रहे हैं, उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों ये सारे डिटेल्स हैं जिसे कि आपको पढ़ लेने हैं कि कितना सैलरी किस पोस्ट के लिए आपको मिलने वाला है। और दोस्तों इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिए ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म मुझे मिल गया है, आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करवा लेना है या फिर कंप्यूटर में फिर से बना लेना है और प्रिंट आउट करवाना है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है, अपना नाम भरना है, फादर्स नेम भरना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर भरना है, फुल डिटेल्स भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, एज भरना है, कास्ट भरना है, जेंडर भरना है, नेशनलिटी भरना है, रिलीजन भरना है, आप हिंदू हो मुस्लिम है क्या हो, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है कि आप कितनी पढ़ाई की हुई है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन भरना है अगर है तो, या फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भरना है और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है और अपना सिग्नेचर कर देना है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो भी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसके साथ हमारे वेबसाइट पर दिए गए एड्रेस पे आपको भेज देना है। दोस्तों इस एड्रेस पे आपको भेज देना है 10 मई से पहले, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है 24 अप्रैल और लास्ट डेट है 10 मई 2018। और दोस्तों आज का गिव अवे क्वेश्चन है, भारत का पहला मिसाइल कौन है, आपके ऑप्शंस है अग्नि, त्रिशूल, आकाश या फिर पृथ्वी, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके ही जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।